यहाँ पे देख सकते हो ये बेहतर तरीका से दोस्तों यहाँ पे इमेज टू टेक्स्ट हो चुका है। अब अगर इसे आप कॉपी करना चाहते हो तो ये कॉपी भी हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक बटन है यहाँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको गजब की ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो हमारे पास जो ये एक यहाँ पे कलम से लिखा हुआ है, यानी कि एक कागज में कलम से लिखा हुआ है, ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। और इस सेंटेंस को अगर आप टाइप करना चाहते हो कंप्यूटर में तो इसे टाइप करने में थोड़ा टाइम तो आपको लग ही जाएगा, अगर आपका स्पीड कितना भी हो तो टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप चुटकियों में अगर इसे टाइप करना चाहें एक साथ तो वो कैसे कर सकते हैं, आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर के लास्ट तक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इमेज टू टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप अपने इमेज, ये एक इमेज है यानी हमने इसे स्कैन किया हुआ है और स्कैन करके इसे हम जेपीजी में सेव किया हुआ है, और इसको अब हम बताएंगे कि कैसे आप इसको टेक्स्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि घंटों का काम अब मिनटों में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है अपने गूगल क्रोम में और यहाँ पे आपको टाइप करना है इमेज टू टेक्स्ट। यहाँ पे इमेज टू टेक्स्ट टाइप करने के बाद जब आप इसे सर्च करेंगे तो सबसे फास्ट में ही आपको prepost.co.com के नाम से एक वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये prepost.co.com ये हमारा खुल चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कंट्रोल भी कर सकते हैं या फाइल ब्राउज करके उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसे अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम क्या चीज़ें करने वाले हैं कि जिसकी मदद से ये आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, ज़बरदस्त ये एक ट्रिक है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। आप ब्राउज फाइल पे जाने के बाद आपका जहाँ भी फाइल हो वहाँ से आप अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी हमने इमेज टू टेक्स्ट फाइल है इसको हम सिलेक्ट कर चुका हूँ और ओपन किया है। यहाँ पे आपका इमेज अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा देर वेट कर लें क्योंकि काम आपका घंटों का काम मिनटों में होगा तो थोड़ी सी तो वेट करनी पड़ेगी। क्या भाई साहब, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए फोटोशॉप और एमएस ऑफिस किसी भी तरीके का ट्यूटोरियल्स हो कंप्यूटर से रिलेटेड आप हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के हाजिर रहूँगा। यहाँ पर ये हमने यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा क्या कहते हैं ये अपलोड हो चुका है। अगर हम इसमें कुछ क्रॉप करना चाहते हैं तो इस पर हम क्रॉप में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो कि प्रीव्यू अभी दिख नहीं पा रहा है, शायद से ये सर्वर का डाउन होगा इसलिए इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो आपको जितना भी इमेज को कन्वर्ट करना है वो पहले से ही आप रेडी कर लें, मेरा ये कहने का मतलब हुआ। तो इसे क्रॉप वगैरह के झंझट में ना पड़े, अभी आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे लोड नहीं हो पा रहा है तो इसे आप छोड़ें। उसके बाद जब ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा तो आपको सिंपल यहाँ पे आई एम नोट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे ऐड वगैरह का ऐसे कुछ आएगा, इसको यहाँ से कट कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड इमेज करने में और उसके बाद ऑटोमेटिक से अपलोड होते ही आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि आपका काम अब यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट किया जा रहा है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे बड़े ही आसानी से हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संस्थापक की कलम से, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया कि संस्थापक की कलम से। अच्छा, इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे थ्री डॉट्स भी दिया गया है तो यहाँ पे डॉट्स भी देखिए कि ले लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है संस्थापक का फोटो, तो यहाँ पे फोटो फो लिखा हुआ है तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क दे दिया क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट को स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कैसे समझ पाएगा ये लोग। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पेज वन, तो यहाँ पे पेज वन लिखना भूल गया, जीरो लिख के छूट गया है। ठीक है, उसके बाद देवर्षु संग्राम के संदर्भित समुद्र मंथन की मंथनी, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो देवासुर संग्राम के संदर्भित समुद्र मंथन का मंथनी मंदार पर्वत की लाया। यहाँ पे देख सकते हो ये बेहतर तरीका से दोस्तों यहाँ पे
इमेज टू टेक्स्ट हो चुका है। अब अगर इसे आप कॉपी करना चाहते हो तो ये कॉपी भी हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक बटन है, यहाँ पे कॉपी, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड टेक्स्ट और वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये किसी भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं इसको फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अभी इमेज यहाँ पे एमएस ऑफिस में चले जाता हूँ, और अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखता हूँ कि ये इमेज हमारा, ये टेक्स्ट हमारा पेस्ट होता है कि नहीं। इमेज में चला गया, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी दबाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा अभी पेस्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इसका टेक्स्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये निर्मला यूआई पे हुआ है टेक्स्ट, यानी कि पेस्ट हुआ है। तो अगर आप इस पर हिंदी टाइपिंग करके अगर आप इसको करेक्शन करना चाहेंगे तो ये करेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कुर्तीदेव फॉन्ट में नहीं है। अगर हम इसको कुर्तीदेव में सेलेक्ट करके देखता हूँ तो ये कुर्तीदेव में नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल से चले जाना अपने वेबसाइट में, और वेबसाइट में इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और एक 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 और न्यू टैब लेंगे, और यहाँ पर आपको टाइप करना है यूनिकोड, यूनिकोड टू कुर्तीदेव। यहाँ पे देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक से यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन होगा जिसका नाम है कुर्तीदेव टू यूनिकोड कन्वर्टर। तो यहाँ पे यूनिकोड टेक्स्ट में आपको वही टेक्स्ट को पेस्ट कर देना, यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से कॉपी करके आपको इसके अंदर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट टू कुर्तीदेव। कन्वर्ट टू कुर्तीदेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको यहाँ से कंट्रोल ए करना है और कॉपी क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है, और ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से दूसरा पेज लेके मैं दिखा देता हूँ, मैं यहीं पे नीचे करता हूँ या इसे कंट्रोल ले करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे पेस्ट हो गया, और अभी यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा अंग्रेजी में है। तो अगर हम इसको कुर्तीदेव में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कुर्तीदेव फॉन्ट सेलेक्ट करते ही ये आपका हिंदी में टाइप हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आप सेलेक्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोमनगर, तो यहाँ पे मैं सोमनगर लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हिंदी में आसानी से अब मैं इसे लिख सकता हूँ। तो ये बेहतरीन टिप्स है जिसके मदद से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा। तो ये हमें बताने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट है, बेहतरीन टिप्स है। इसे आप एक बार रिवाइज कर ले, दोबारा देख लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी टाइम बचे और वो आपको कहे वाओ। कमेंट में आप जरूर लिखें थैंक यू, या जो आपको लिखना हो पसंद आए वीडियो। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।